जय श्री राम। मैं एस्ट्रो भारती नागपाल आज लेकर आई हूँ मंगलिक। कि मंगलिक क्या है? आप जानते हैं कि मंगलिक शब्द सुनते ही नेगेटिव सी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि हाँ ये मंगलिक है, कैसा मंगलिक है, इससे क्या क्या बुराइयां शुरू हो जाएंगी, मंगलिक को कितना बड़ा दोष माना जाता है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगी कि मंगलिक कैसे देखा जाता है। जैसे आप जानते हैं कि कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 घर में से पहला, चौथा, सातवां, आठवां एंड 12th हाउस, अगर इन 5 घरों में मंगलिक आ जाता है तो वह मंगलिक दोष बनता है। फ्रेंड्स, इन 5 घर में आने से ही मंगलिक दोष बन जाता है। लेकिन अगर इसमें मंगल के साथ राहु, सूर्य, शनि, अगर ये 3 ग्रह विराजमान हो तो मंगलिक दोष कुछ परसेंट तक कम हो जाता है, इवन मंगलिक दोष खत्म हो जाता है। लेकिन पूरा खत्म कहना गलत होगा क्योंकि इसमें आगे डिग्रीज भी देखी जाती है। अगर मंगल की डिग्री कम है, शनि, सूर्य, राहु इनकी डिग्री ज्यादा है, तो ही हम उसे मंगलिक दोष पूरा खत्म करना कहते हैं कि मंगलिक दोष नहीं है। आप देखेंगे कि आजकल कितने लोग ऐसे हैं मंगलिक की शादी मंगलिक से कर देते हैं, फिर भी उनकी बनती नहीं है, इवन उनके डिवोर्स तक हो जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि देखो ये भी मंगलिक, ये भी मंगलिक, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि क्या पता एक का मंगलिक दोष कट गया हो, खत्म हो, लेकिन दूसरा महामंगलिक हो, तो जिसके कारण ये सब इशू बनते हैं। सेकंड मंगलिक दोष तब भी खत्म होता है जब पार्टनर, आप जिससे कुंडली मिला रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों में से एक अगर मंगल है और दूसरे का उस मंगल वाले हाउस में शनि, सूर्य या राहु है, और लड़के का जिस हाउस में मंगल है, लड़की का अगर उस घर में शनि, सूर्य, राहु होता है, तो वो भी मंगलिक दोष को खत्म कर देता है। तो ऐसे में भी हम मंगलिक दोष नहीं गिनते। जैसे कई लोग लव मैरिज करते हैं और उनको पता नहीं होता कि वो मंगलिक हैं या नहीं है, और बाद में पता चलता है कि वो मंगलिक निकल आए हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स, जैसे मंगलिक दोष है, पता नहीं है और मंगलिक दोष निकल आया है, तो उसके बहुत सारे उपाय हैं। आप मंगल की शांति कराइए, मंगल के मंत्र का जाप कराइए, मंगल अगर ये शादी से पहले होता है तो उसका कुंभ विवाह कराइए, शादी के बाद होता है तब भी आप उस लड़की का एक कुंभ विवाह, एक पेड़ विवाह, इस गणेश विवाह, इस तरह का एक विवाह करा के उसका दोष दूर कर सकते हैं। हर चीज का कोई ना कोई उपाय होता है, हर चीज का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, इसलिए मंगलिक दोष का भी एक सॉल्यूशन है। जो मैंने आपको अभी उपाय बताए, आप ये सब कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जिनका मंगल दोष है, मंगलिक है, उन्हें हनुमान जी की पूजा करते रहना चाहिए, उन्हें डेली हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, हनुमान जी को याद करना चाहिए, एटलीस्ट दिन में एक बार तो जरूर करना चाहिए। ये सब करने से भी आप अपने मंगल दोष को शांत कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, जब भी शादी करें, मंगल दोष का ध्यान रख के करें, मंगलिक का ध्यान रख के करें। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम देखकर जान सकते हैं कि आप मंगलिक हैं नहीं है। और इस चैनल को मैं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।